बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला करीब करीब तय हो गया है। शनिवार को शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने दोपहर 1:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल किया। शनिवार को विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन के समक्ष लोकसभा चुनाव नामांकन पत्र दाखिल किया। भाटी ने कहा कि अपने यहाँ पर शगुन देखे जाते हैं, मैंने मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन सभा और रैली 4 अप्रैल को है। भाटी ने कहा कि अब वार्ता का दौर खत्म हो गया है, अब चुनावी कबड्डी खेल रहे हैं। अब सर्व समाज ने जो आदेश दिया है कि उसकी पालना के लिए आप सबके बीच में हैं, आगे तक भिजवाना आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने 28 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मेदाराम बेनीवाल 3 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाड़मेर जैसलमेर सीट पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने से हॉट सीट बन गई है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, यात्रा में इतना जबरदस्त सहयोग मिल रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। युवाओं, बुजुर्गों और 36 कौम का प्यार मिल रहा है। उन लोगों में एक विश्वास और भरोसा है कि आगे आकर उनकी बात मजबूती से उठाएगा। सरकार से पटरी नहीं बैठने के सवाल पर कहा कि राजनीतिक जीवन में कई तरह की उठापटक होती है, जल्द ही इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। हर विधानसभा की समस्या अलग अलग है, इसमें सबसे कॉमन समस्या सामने आई है वो समस्या शिव में भी है। मूलभूत सुविधाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, बाकी हेल्थ व एजुकेशन की बात तो बाद की है। कल्याणपुर, समदड़ी और सिड़धरी में गंदे पानी की समस्या से कई सारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं। नहरी बेल्ट में बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, समस्याओं की कमी नहीं है। यहाँ के लोगों को भरोसा है कि मोटियार युवा आगे आएंगे और यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। तो सरकार से अभी वार्ताएं हो रही है, फोन आ रहे नहीं आ रहे? अभी हमने सब चुनाव लड़ा, कब भी रमा पड़ा वार्ता वाला दौर क्या समाचार एकदम पूरा हो आज नामांकन दाखिल किया, क्या नामांकन मुहूर्त से था या क्या था, और मैं नामांकन कब होगा? अपने सुगंध हो या करे सुगंध साहब ने करियो है, और नामांकन सभा और नामांकन रैली आने वाली 4 तारीख रो है। हूँ आप चैनल रे माध्यम में तमाम जितना भी मारा साथी है, बाड़मेर जसमेर और बालोतरा और मारू जो परिवार है, उन्हें हूँ आमंत्रित करा, पीला चावल दिया, आप सब समय निकाल पता रहा, आपकी भाई रविंद्र री हिम्मत ना पता है। आप यात्राएं कर रहे हैं, यात्राओं में कितना सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है, वाकई मैं गुड़े शब्द को नहीं धन्यवाद की कर दिया, इतना भाइयों और प्यार मिल रही है, और लोगों में एक विश्वास है, भरोसा है कि रविंद्र आगे आए मजबूती मिना हमारी बात होता है। तो क्या क्या वजह रही है जो आपकी सरकार से वार्ता भी हुई और आपकी पट्टी बैठी नहीं? कई सारे राजनीतिक जीवन में मिना उठापटक होया करे, पर नए से मिना जल्दी आप अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं लोगों की सुनने को मिल रही है? हर जगह ही समस्याएं अलग अलग है, पर जो को एक कॉमन चीज जो मैंने देखने मिली जो हमारे शिविर मीना भी है, मूलभूत जो को भी अपने सुविधा है वही सब बड़ी चीज पानी री है, पता शिक्षा चिकित्सा तो है ही, और तमाम यह चीज कारण अगर मैं बात करूँ कल्याणपुर और वे सिंदरी समदड़ी बेल्ट री, तो वह गंदे पानी के कारण कई सारा किसान भाई है जो को परेशान हो रहा है। नहर बेल्ट मीना बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, तो समस्या री तो कोई कमी को नहीं है, पर ये तरह लोगों ना भरोसा है कि मोटियार आ गया है, युवा आ गया है, और उम्र समस्या रे वास्ते काम करे, उम्र निवारण करे। तो सरकार से अभी वार्ताएं हो रही है, फोन आ रहे नहीं आ रहे? अभी हमने सब चुनाव लड़ा, कब भी रमा पड़ा वार्ता वाला दौर क्या हमने तो आप सभा में ना और सर्व समाज रे जहाँ आ गया हुआ दिनी है, जहाँ आदेश हुआ दिनों वो आदेश ही पालना कर। बाड़मेर जिला संवाददाता लक्ष्मण चौधरी की रिपोर्ट।